नमस्कार दोस्तों, हर जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम बात करने जा रहे हैं शनि पर। शनि 24 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहा है और ये 30 साल बाद एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है, ये अपनी ही मकर राशि में प्रवेश करने जा रहा है। 2.5 साल तक ये इसी राशि में रहेगा और माना जा रहा है कि इससे सभी राशियों पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। वैसे शनि को लेकर के सभी लोगों के मन में काफी भ्रांतियां होती हैं और इसीलिए इस बार हम इस चीज पर चर्चा करने के लिए वास्तु एक्सपर्ट और कंसल्टेंट रिद्धि बहल जी के साथ हैं, जो कि हमें शनि के इस प्रभाव, इस व्यापक प्रभाव के बारे में बताएंगी। तो शनि जी, तो माफ कीजिएगा, शनि का इतना असर हो रहा है कि माफ कीजिएगा रिद्धि जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से शनि हमारे ऊपर असर डालता है और क्या इसको लेकर के जो लोगों के मन में डर है, हाँ जी, वो कितना वाजिब है। हाँ बिल्कुल सुदामनी, जो आपने कहा और जैसे मैंने देखा भी, आप मेरे नाम की जगह शनि जी कह रहे थे, शनि का असर अभी से आना शुरू हो गया है। एनीवेज, शनि जो है, जनरली लोग ये सोचते हैं कि शनि जो है नेगेटिव ही होता है या नेगेटिव उसका असर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब तक शनि की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी काम नहीं होता, चाहे वो आपका शादी हो, आपका कोई काम से रिलेटेड है कि जी आप जॉब कर रहे हैं या एजुकेशन में कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जब तक शनि की दृष्टि आपके उस घर पे नहीं पड़ेगी, जैसे मान लीजिए कि आप घर बदलना चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसका घर जो है चौथा घर होता है, तो जब तक शनि की दृष्टि या शनि का संबंध आपके चौथे घर से आपकी पत्री में नहीं बनेगा, तब तक जो है आप प्रॉपर्टी या घर से रिलेटेड कोई चीज नहीं कर सकते। इसी तरह से और भी जो एस्पेक्ट है लाइफ के, वो जब तक उनपे शनि की कृपा नहीं होगी तब तक वो चीज पूरी नहीं होती है। तो शनि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर शनि जो है वो न्याय का भी ग्रह है। शनि कहते हैं वो जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, जो डंडा मारता है, पर उसका एम ये होता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने। तो शनि जो है एग्जैक्टली एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है, जो हमसे काम करवाते हैं, पर इसलिए काम करवाते हैं, शनि को इसीलिए कर्मठ भी कहा जाता है, इसलिए काम करवाते हैं कि उसके जो है हम रिजल्ट अच्छे हम लाइफ में रीप कर सके। जी, तो हम जो है सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार शनि के इस राशि में प्रवेश करने से मेष राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा। उससे पहले बताऊंगी कि शनि जो है वो हर राशि में जो है 2.5 से 3 साल रहते हैं। शनि, जैसे नाम है शनि, शनि शनि जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, सबसे धीरे धीरे मूव करते हैं। चंद्रमा जो है वो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं। चंद्रमा जो है हर राशि में 2.5 दिन रहते हैं, जबकि शनि जो है 2.5 साल रहते हैं। अब 2.5 साल में जो है शनि 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। तो अभी 23 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2021 तक जो है शनि धनिष्ठा राशि, सॉरी उत्तराषाढ़ राशि में रहेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 23 जनवरी 2020 से लेके 21 जनवरी 2021 तक शनि जो है उत्तराषाढ़ राशि में रहेंगे। तो जिन लोगों की जन्म राशि उत्तराषाढ़ है या जिन लोगों का लग्न राशि जिन लोगों का जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ है या जिन लोगों का लग्न नक्षत्र उत्तराषाढ़ है, तो उनपे जो है शनि का इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा एविडेंटली हमें देखने को मिलेगा। अब रही बात राशियों की, ये जो चेंज है इसका असर सब पे होगा। सुदामनी, यहां मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स पे तो होगा ही होगा, शनि का इम्पैक्ट जो है जो नेचुरल क्लाइमेटीज होती है या जो हमारा वेदर होता है, इन सब पे भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जैसे आपने कहा मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए जो ये गोचर है वो शनि जो का जो मकर राशि में प्रवेश है वो उनके 10वें घर में हो रहा है। जो 10वां घर है वो प्रोफेशन का घर है, वो काम का घर है, कर्म का घर है, और शनि जो है वो ग्रह भी कर्म के हैं। अब देखिए, प्रोफेशन जो है वो कर्म का एक हिस्सा है। जो कोई काम नहीं करते या जिनका कोई प्रोफेशन नहीं है, जैसे बड़े हुए जो बहुत ओल्ड है या जो बच्चे हैं, तो पर वो कर्म तो करते हैं। तो शनि, जैसे मैंने कहा कर्म का ग्रह, तो वो आपके कामों को जज करेगा, आपसे अच्छे या बुरे काम करवाएगा।
तो आपके लिए, और जो प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए प्रोफेशनली जो है ये साल जो है काफी अच्छा जाएगा। आप अपने काम में कोई अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या अपने काम में कोई नया एडिशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके दसवें घर में, दसवें घर से बारहवें घर को देखेगा तो आपके काम में कोई ना कोई फॉरेन कनेक्ट का एलिमेंट जो है वो जरूर से आएगा। आप थोड़े सा अपना जो है हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। मेष राशि वाले अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने काम पर फोकस करें तो निश्चित रूप से शनि उन पर अपनी कृपा जरूर बरसाएगा। और इसके साथ हम वृष राशि की तरफ बढ़ते हैं। वृष राशि पर इस बार शनि का किस तरह का प्रभाव रहेगा? अच्छा, वृष राशि के लिए जो है ये गोचर नवे घर में बनेगा। नवा घर जो है नाइन्थ हाउस है और लक का घर है, आपके भाग्य का घर है, आपके फादर का घर है। तो फादर की हेल्थ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी अगर आपको हेल्थ इश्यू लगे तो आप उसको प्लीज इग्नोर मत करिएगा। जैसे मैंने कहा आपके लक का घर है तो आपका लक जो है वो आपको फेवर करेगा। शनि नवे घर से बैठ के आपके तीसरे घर को देख रहे हैं। तीसरा घर जो है भाई बहनों का घर है, तो हो सकता है किसी बात पे भाई बहनों से थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए, पर ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और अब अगर आपको ये बात पता है पहले से तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई बहनों से जो है छोटी सी बात पे गुस्सा ना हो जाए या उनकी छोटी सी किसी बात का बुरा ना माने। जी, तो वृष राशि वाले अपने घर परिवार में विशेष रूप से अपने भाई बहनों और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो शनि उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही हम मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन राशि पर शनि किस तरह से अपना प्रभाव डालेंगे? विधि जी, मिथुन राशि वालों के लिए जो ये गोचर है आठवें घर में बन रहा है। जो आठवां घर है वो सडननेस का घर है। सडननेस से मेरा मतलब कुछ अचानक से, अगर कुछ अच्छा होगा तो वो भी एकदम अचानक से होगा, कुछ खराब होगा तो वो भी एकदम अचानक से होगा। जहां से आप उम्मीद करेंगे कि जी यहां से मेरा कुछ काम बनेगा या इससे मैं उम्मीद करती हूं या करता हूं कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, वो नहीं करेंगे। जिनसे उम्मीद नहीं होगी वो कर जाएंगे, जिस जगह से उम्मीद नहीं होगी वहां से काम हो जाएंगे। दूसरी बात, आठवां घर जो है वो हिडन छुपी हुई चीजों का घर होता है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से या घरेलू पॉलिटिक्स से जो है आप थोड़ा सा संभल के रहें। हो सकता है कि आप उसके विक्टिम बन जाएं, हो सकता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया हो पर फिर भी आप उस लपेटे में आ जाएं और आप उससे जो है परेशान हो जाएं। तो मिथुन राशि वालों के लिए खास करके मेरी एडवाइस है कि अपने काम से मतलब रखिए। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि मिथुन राशि वाले लोग अगर अपने लिए सतर्कता बनाए रखें और हर काम बहुत सोच समझ कर करें तो उनके लिए मुश्किलें जो है वो मुश्किलों पर काबू पा सकते हैं और सावधानी पूर्वक अपना समय जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से बिता सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ ही हम कर्क राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि पर किस तरह से शनि अपना असर डालने वाले हैं इस पर रिद्धि जी बताएं हमें। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। कैंसर का लॉर्ड जो होता है वो मून होता है, चंद्रमा होता है, इसलिए कर्क राशि वाले जो होते हैं थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये इनके सातवें घर में बन रहा है। अब जो सेवेंथ हाउस है वो हाउस है पार्टनर्स का, सेवेंथ हाउस जो है वो हाउस है स्पाउस का। और एक और बात बताऊंगी, सातवां घर शादी के लिए भी देखा जाता है, तो वो लोग जो कि बहुत समय से चाह रहे हैं कि जी हमारी शादी नहीं हो रही है या शादी में कोई रुकावट आ रही है, उनके लिए अच्छा समय है। उनकी जो है शादी के देखिएगा आप योग बनेंगे, शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। जैसे मैंने कहा, और जो लोग शादीशुदा हैं, मैंने कहा ये स्पाउस का घर है, आपके हस्बैंड या वाइफ का घर है, तो हस्बैंड और वाइफ आपस में जो है आप लोग रिलेशन, हो सकता है कि शनि जो होता है ना वो डिटैचमेंट का भी प्लैनेट होता है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपस में जो अफेक्शन थोड़ा कम हो रहा है या आपको थोड़ा डिटैचमेंट सा एक दूसरे से फील हो या आप लोगों को लगे कि आप एक दूसरे थोड़े खिंचे खिंचे से हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपको ये फीलिंग आए शनि जब आपके सातवें घर में प्रवेश करें। पर ये थोड़े टाइम की फीलिंग है, ये फीलिंग चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई आप सेपरेट हो जाएंगे या कुछ अलगाव होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि शनि जो है आप लोगों को और क्लोज लेके आएंगे। पार्टनरशिप का, जैसे मैंने कहा कि सातवां घर पार्टनरशिप का घर है, तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं या कोई नया पार्टनर के साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जी, तो ये आपने काफी अच्छी चीज बताई कि
कर्क राशि वाले जो है वो अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप को सही बनाए रखें, अपने पति के साथ जो है अगर वो किसी भी तरह की अनबन है तो उसको हाँ। वो बहुत दीर्घ उसमें ना ले जाए सही बात है। थोड़ा सा टाइम मतलब थोड़ा समझदारी से काम ले, ज्यादा इमोशनल होके ज्यादा हाइपर होके जो है कोई डिसीजन ना ले। क्या होता है इमोशनल जब हम हो जाते हैं तो हम जल्दीबाजी करते हैं, जल्दीबाजी में हम अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। और देखिए यही ज्योतिष आपकी हेल्प करता है, ये गाइडलाइन है, आपको ये बात पता है। तो अगर ऐसा होता है कि आपके और आपके स्पाउस के आपके हस्बैंड या वाइफ से कोई झगड़ा होता है तो उसको बस थोड़ी देर एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, उसको मन में लेके बात को बड़ा मत बनाइए जी। तो कर्क राशि वाले आपके सुझावों से रिद्धि जी निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं और इस समय अवधि में शनिदेव की कृपा जरूर पा सकते हैं। और इसी के साथ हम सिंह राशि पर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि पर इस बार शनि का प्रभाव कैसा होने वाला है। सिंह राशि के लिए ये जो गोचर है वो छठे घर में बन रहा है। छठा घर जो है वो कंपटीशन का घर है। अब आजकल बड़ा ही कॉम्पिटेटिव जमाना है, चाहे आप काम कर रहे हो या आप जॉब में हैं या आप स्टूडेंट हैं, कहीं पे भी जो कॉम्पिटिशन है ही है, हर जगह ही है। और हम सब कॉम्पिटिशन में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कॉम्पिटिशन जो है हमें डिमोटिवेट करे या उससे हम इफेक्टेड हो। तो सिंह राशि वालों के लिए जो है ये साल जो है कॉम्पिटिशन में विक्ट्री का साल है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या आपको लग रहा है कि जी चैलेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज ये है कि आप उस कॉम्पिटिशन से ऊपर निकल पाएंगे, आप उस कॉम्पिटिशन को हरा सकते हैं। दूसरी चीज, छठा घर जो है वो रोग का भी घर है, हेल्थ का भी घर है, और शनि जैसे मैंने कहा स्लो मूविंग है, वो हर चीज में बड़ा धीरे धीरे चलते हैं। तो आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है तो वो जो है हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर जाए। तो इन दैट केस हेल्थ का अपना जो है ध्यान रखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमिजिएटली जो है डॉक्टर के पास जाके अपने आप को क्योर करिए, नहीं तो वो बीमारी जो है लंबी खिंच सकती है। ये चीज आपने बड़ी महत्वपूर्ण बताई कि कई बार होता है कि तबीयत खराब हुई तो बहुत मोराल डाउन हो जाता है, बिल्कुल। जो है पूरी प्लानिंग बिगड़ जाती है, और इसीलिए जो आपने सलाह दी कि इसके हिसाब से अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए और उसके साथ ही अपने काम पर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फोकस बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा टाइम है आपके लिए। तो निश्चित रूप से आपके लिए समय अच्छा है, अगर आप मेहनत करते हैं तो शनिदेव की कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर होगी। बिल्कुल। और इसके साथ ही हम कन्या राशि की तरफ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। कन्या राशि पर रिद्धि जी किस तरह से शनि का प्रभाव रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए ये जो फिफ्थ हाउस पांचवें घर में गोचर बनेगा, पांचवा घर जो है वो एजुकेशन का घर है, पांचवा घर आपके बच्चों का घर है, पांचवा घर जो हम कहते हैं विजडम का घर है, मंत्र सिद्धि का भी घर हम पांचवा घर मानते हैं। तो आप जो है एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, या जैसे कई लोग हैं जॉब करने के साथ साथ कोई कोर्स पिक करना चाहते हैं जो उनके प्रोफाइल में ऐड करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप पढ़ाने से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बच्चों को लेके जो है आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि दे कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न कि जी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, नंबर आ नहीं आ रहे हैं, ऐसा आपका जो फोकस जो है वो आपके बच्चों की तरफ इस बारी ज्यादा रहेगा। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान रखिए, पर उसके कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए जी। तो आपने ये चीज बहुत सही कही कि बहुत कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीजों में फंसे रह जाते हैं और खासतौर पे बच्चों को लेकर के बहुत कंसर्न होता है। बिल्कुल। तो ये समय जो है आप बच्चों की परवरिश पर फोकस करिए, आप इस बात पर करिए कि हाँ वो अच्छा सीखे, लेकिन खुद को स्ट्रेस मत करिए। और बिल्कुल आपने ये चीज जो बहुत अच्छी कही कि नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब मैं कह रही हूँ एजुकेशन डजंट मींस कि आपको कॉलेज या स्कूल में वापस जाएंगे, आप कुछ स्किल में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डांस करने का शौक है तो आप डांस करना सीख सकते हैं, आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप वो स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो अभी अपनी जो भी स्किल्स आप चाहते हैं कि डेवलप हो उस पे फोकस करने के लिए ये टाइम कन्या राशि वालों के लिए खास करके अच्छा जी। तो इसके साथ ही हम अपनी चर्चा को तुला राशि की तरफ बढ़ाते हैं कि तुला राशि पर इस बार शनिदेव का कैसा प्रभाव रहेगा? तो तुला राशि वालों के लिए जो है ये गोचर चौथे घर में बन रहा है।
चौथा घर जो है वो जमीन जायदाद का घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं उस वहां वो हम चौथे घर से देखते हैं, मदर का घर है, हैप्पीनेस का घर है, व्हीकल वाहन सुख का घर है। तो यदि आप कोई नई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या घर में कोई चेंज करना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं या रेनोवेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है। आप बिल्कुल जाइए और प्लान करिए इन सब चीजों का, बस मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी। प्रॉपर्टी को लेकर के महिलाएं काफी ज्यादा कंसर्न रहती हैं, और अगर ये समय ठीक है हाँ तो निश्चित रूप से वो इन कामों में आगे बढ़ बिल्कुल सकती है। बिल्कुल 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 जी, इस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिस घर में आप रह रहे हैं, आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि जी घर में कुछ बदलाव लाना है या घर में हमें कुछ चेंज करना है या घर को रेनोवेट करना है, तो आप बिल्कुल करिए, ये टाइम आपके लिए बिल्कुल सही है जी। तो इसके साथ ही हम अपनी चर्चा को वृश्चिक राशि की तरफ आगे बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि पर इस बार जो है वो शनि देव किस तरह से असर डालेंगे? वृश्चिक राशि के लिए शनि जो है तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तीसरा घर जो है आपके सेल्फ एफर्ट्स का घर है, आपके भाई बहनों का घर है, आपकी हॉबीज का भी घर है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो साल है थोड़ा भागदौड़ वाला रहेगा, एफर्ट्स जो है आपको थोड़े से ज्यादा करने पड़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एफर्ट कर रहा हूं, मुझे इसके रिजल्ट इतने नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो, पर इवेंचुअली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, पर हाँ थोड़ी भागदौड़ करने के बाद। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है स्कॉर्पियो लग्न के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, कि आपका जो है काम के कारण छोटी थोड़ा बहुत ट्रैवल भी हो। तो थर्ड हाउस जो है हम ट्रैवल के लिए देखते हैं, पर शॉर्ट ट्रैवल के लिए देखते हैं कि एक दिन के लिए आप कहीं गए या दो दिन के लिए आप कहीं गए, तो काम से रिलेटेड जो है आपके शॉर्ट ट्रैवल्स जो है वो इस साल में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं जी। तो वृश्चिक राशि वाले, जैसे कि रिद्धि जी ने बताया कि अगर उनको काम को लेकर के स्ट्रेस बढ़ सकता है, उनकी भागदौड़ बढ़ सकती है, लेकिन वो अगर अपने काम में डटे रहे, अपने हाँ। चीजों पर फोकस बनाए रखें, तो निश्चित रूप से इसके उन्हें बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल जी। तो इसी के साथ हम चर्चा को धनु राशि की तरफ बढ़ाते हैं। धनु राशि पर इस बार शनिदेव का किस प्रकार असर पड़ेगा? तो धनु राशि से ही शनि देव जा रहे हैं अब 2.5 साल के बाद मकर राशि में, और धनु राशि में केतु भी है इस साल, और धनु अभी इस समय और गुरु भी इसी समय जो है धनु राशि में है। तो जब शनि देव धनु से निकल के मकर में जाएंगे तो ये गोचर उनके लिए जो है दूसरे घर में बनेगा। दूसरा घर जो है सेकेंड हाउस जिसे हम कहते हैं, वो सेल्फ अर्न्ड इनकम अपनी खुद की कमाई का घर होता है। दूसरा घर वाणी का घर होता है, स्पीच का घर होता है। तो ऐसे लोग जो कि जिनका काम बोलना है या जिनका प्रोफेशन बोलने से संबंधित है, उन लोगों की जो है इनकम इस बारी जो है वो बढ़ेगी। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं, जैसे आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो आपके लिए जो है आपके काम के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। सेकेंड हाउस जो है वो कुटुंब भाव होता है, मतलब फैमिली का घर होता है। तो यदि आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या आप फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो ये एक्सपेंशन का टाइम है, आप फैमिली बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है सेकेंड जो धनु लग्न वाले लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें। तो धनु राशि वाले जो है वो रिद्धि जी की इस सलाह का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके साथ ही हम मकर राशि पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि पर इस बार शनि देव का किस तरह का प्रभाव। मकर राशि में तो शनि रह रहे हैं 2.5 साल, तो मकर राशि वालों के लिए तो ये स्पेशल है ही है, और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि शनि की ये खुद की राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले बड़े स्ट्रांग विल्ड लोग होते हैं, और शनि खुद वहां पे आ रहे हैं, तो शनि की आप पे कृपा रहेगी रहेगी। तो मकर राशि वालों के लिए ये अच्छा है समय, काम के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, एफर्ट्स आप जो करेंगे उसके लिए भी अच्छा है। पर मकर राशि वालों को थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी जो है हेल्थ में कुछ ना कुछ थोड़ा 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 इश्यूज जो है वो चलता रहेगा। तो अगर हेल्थ में जरा सा भी आपको कुछ लगता है तो उसको प्लीज इग्नोर ना करें जी। तो मकर राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, और उसके साथ ही अपने कामों पर ध्यान लगातार बनाए रहें, इससे उन्हें निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी चर्चा को कुंभ राशि की तरफ बढ़ाएंगे। कुंभ राशि पर इस बार शनिदेव कैसा प्रभाव डालने वाले हैं? तो कुंभ राशि वालों के लिए जो है ये गोचर 12वें घर में बनेगा। 12वां घर जो है वो फॉरेन लैंड से हम रिलेट करते हैं। तो जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनका जो है फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन ट्रैवल, ये जो है ज्यादा बढ़ेगा। फॉरेन ही नहीं, जो ज्योतिष के जो क्लासिक्स लिखते हैं वो लिखते हैं कि फॉरेन से मतलब जो क्लासिक्स में है कि जो जन्म स्थान है उससे दूर जगह, तो कैन बी विद इन द कंट्री बट जो आपका बर्थ प्लेस है उससे दूर। तो अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे ही काम करते हैं तो आप बर्थ प्लेस से बाहर जो है एक्सपेंशन का सोच सकते हैं।
जी जी तो ये इस बात का कुंभ राशि वाले विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही हम अपनी चर्चा को मीन राशि की तरफ बढ़ाएंगे कि मीन राशि पर इस बार शनिदेव किस तरह से असर डालने वाले हैं। मीन राशि जो कि आखिरी राशि है और मीन राशि के लिए जो ये गोचर है ग्यारहवें घर में पड़ रहा है। ग्यारहवां घर जो है वो गेन्स का घर है, लाभ का घर है। तो मीन राशि वालों के लिए जो है ये साल जो है गेनफुल होगा, मतलब लाभ उनको जो है ज्यादा मिलेगा। पर मीन राशि वालों के लिए खास करके स्किन की प्रॉब्लम का थोड़ा सा ध्यान रखें, स्किन रिलेटेड जो है इनको इश्यू हो सकते हैं। पर जहां तक फाइनेंशियल गेन्स की बात है, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात है, वो जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके पेरेंट्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जी तो रिद्धि जी ने सभी राशियों पर, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, अलग अलग सभी राशियों पर किस तरह से शनिदेव असर डालेंगे इस पर व्यापक चर्चा की हमने, और आपने बहुत सारे बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से बताया कि सभी राशियों को किन किन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो इन चीजों का ध्यान रखें तो शनिदेव की कृपा उन पर बनी रह सकती है। हम नेक्स्ट वीक जो है एक नए विषय पर आपके साथ फिर जुड़ेंगे फेसबुक लाइव पर, और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। रिद्धि जी हमारे लिए एक्सपर्ट लेख भी लिखती हैं, तो आप प्लीज हमारे साथ जो है कनेक्टेड रहें, और रिद्धि जी से आप जो भी सवाल पूछना चाहें तो वो भी हमें भेज सकते हैं। और इस चर्चा को फिलहाल हम यही समाप्त करते हैं। रिद्धि जी आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सदामिनी, थैंक यू।